शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, लेकिन आज हमने वो सरप्राइज शेयर कर दिया, उन्होंने पहले ही बता दिया ना। जैसे आपका आप सभी को पता है कि मदर डे कब आता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, उसकी डेट फिक्स नहीं है। मई के दूसरे रविवार को जैसे मदर डे होता है ना, तो ऐसे ही मई के पहले रविवार को वर्ल्ड डॉक्टर डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वर्ल्ड डॉक्टर डे? जो 2023 में 7 मई को मनाया जाएगा, यानी कि कल। पर हम उसे आज सेलिब्रेट करें, क्यों? क्योंकि कल हमारा हॉलीडे है। अब आपके छोटे से दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए होंगे, आए हैं कि ये वर्ल्ड डॉक्टर डे कहाँ से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया? हमने तो कभी सुना ही नहीं, सुना नहीं इसमें पहले कभी। आपके इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ आज, ठीक है? तो सबसे पहले वर्ल्ड डॉक्टर डे मई के पहले रविवार को मनाया गया था, और तब से लेकर आज तक वर्ल्ड डॉक्टर डे मई के पहले रविवार को ही मनाया जाता है, ठीक है? उनके लिए कोई फिक्स डेट नहीं है कि 6th में या 7th में या 8th में, यानी आपका जब मई मंथ स्टार्ट होता है, जब वर्ल्ड यूनिवर्स संडे आता है, तो तब आपका वर्ल्ड डॉक्टर डे होता है। दूसरा, वर्ल्ड डॉक्टर डे सबसे पहले 11 जनवरी 1998 को मुंबई में मनाया गया था। तीसरी बात, इसको मनाने का पूरा श्रेय, यानी इसकी स्थापना का जो पूरा क्रेडिट है ना, डॉक्टर मदन कटारिया जो कि एक चिकित्सक भी थे और योग संस्थापक भी थे, उन्हें जाता है। उन्होंने रिसर्च की थी, क्या रिसर्च की? उन्होंने देखा कि जो ज्यादा हंसने वाले लोग होते हैं, उनके मरने की संख्या उन लोगों से कम है जो बिल्कुल नहीं हंसते, यानी जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं उनकी संख्या उन लोगों से कम है जो बिल्कुल नहीं हंसते, सारा दिन चुप रहते। चुप कौन रहता है? जिसके अंदर स्ट्रेस होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, टेंशन होते हैं, वो अपने मन की बात को अपने अंदर ही रखते हैं, लेकिन ज्यादा हंसते हैं लोग हंसकर अपने डिप्रेशन स्ट्रेस को दूर कर देते हैं। दूसरा, उन्होंने एक रिसर्च की, उसमें क्या देखा कि आजकल जो लोग हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, सभी आपस में मिलकर बैठकर खाना खाते थे, बातें करते थे, अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे को शेयर करते थे, जिससे क्या होता, फैमिली में कभी स्ट्रेस डिप्रेशन नाम की चीज ही नहीं होती थी। अगर पहले के टाइम से कंपैरिजन करो तो आज के टाइम में डिप्रेशन के पेशेंट बहुत ज्यादा थे। हर छोटे से छोटे बच्चे को स्ट्रेस हो रहे, क्यों स्ट्रेस हो रहे? क्यों? क्योंकि वो अपनी बात किसी को शेयर ही नहीं कर पा रहे। क्या किया जाता है? सबसे बड़ा फायदा, हंसने से आप हमेशा यंग रहते, कभी भी बूढ़े नहीं होते। क्यों? जब आप हंसकर हंसते हो, जो लोग ठहाके लगा कर हंसते हो, तो आपके पेट की 15 मसल एक साथ एक्टिव हो जाती है। जब वो एक्टिव होगी तो ब्लड सर्कुलेशन जो बहुत अच्छी तरह से होता है, और जब अच्छी तरह से होगा तो आपको ना तो डिप्रेशन होगा, ना तनाव होगा, ना किसी तरह का स्ट्रेस होगा, और आपका चेहरा हमेशा ग्लो करता रहेगा, और आप अपनी एज से 10 ईयर हमेशा छोटे दिखेंगे। तो ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, और इस बेनिफिट को सुनने के बाद तो हर व्यक्ति जिंदगी में हंसना चाहेगा। हंसना चाहोगे या नहीं? हंसते से हमारा मन शांत रहता है। जब हम हंसते हैं तो हम दूसरों को भी खुश रखते हैं, तो क्या होता है, चारों तरफ जो है सकारात्मक ऊर्जा, यानी पॉजिटिव वाइब्स आती है। ये चारों तरफ जो आपका वातावरण है वो खुशनुमा हो जाता है, हंसी का माहौल रहता है, तो तनाव नहीं थी तो अपने आप ही भाग जाते हैं, आपको कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना जाएगा। मैं आज आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो क्या आप सभी तैयार हैं? आजकल के बच्चे गलत आ रहे हैं, परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो सात आठ भाई बहन थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाकर हम सब के मिलाकर 60% आया करते। हौसले इतने बुलंद थे, कभी उदास नहीं हुए, एक साल में 2 बार से ज्यादा पास ही नहीं हुए। सरकारों ने पुस्तकें एक बार दिलवा दी, घरवालों ने भी पुस्तकें एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी वही चलवा दी। छोटे वाला भाई हमेशा कई कई ट्यूशन पढ़ा, पूरा दौर लगा लिया, लेकिन अगली क्लास में ही नहीं चढ़ा। एक दिन आखिर नाम ही कटवाना पड़ा, दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिला करवाया, 5 साल बाद पहली कक्षा से ही निकलवा दिया। भाई साहब ध्यान करो, मुझे तो याद है 12वीं में मेरे अकेले के 43% आए थे। घरवाले को क्या, रिश्तेदार भी भूले न समाये थे। रिजल्ट देखकर जब घर लौटा, भाई साहब अद्भुत घड़ी थी,
बड़ी बुआ दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्ची ने इतिहास रच दिया, कहने लगी बच्ची ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में शाम का भंडारा रख दिया, इसी खुशी में शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी, शीशे में गड़वाकर ड्राइंग रूम में सजवा दी, बधाई देने वालों के ताते लग गए, पिताजी धन्यवाद करते करते थक गए। बोलना बोलना नहीं है। देखो तो पहले बेटा, वो कर क्या रहा है, सारी एक्टिंग देखनी है, सारी देखनी है एक साथ।